हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, जिसका अनाउंसमेंट टीजर आप लोगों ने देखा था। आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये वीडियो है। एक्चुअल में ये एक ऐसे भी है आपका इंग्लिश के अंदर, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कुछ विचारों को देखेंगे कि किस प्रकार के उनके विचार थे इस टॉपिक के ऊपर, अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम के अंदर। ये जो आइडिया है या ये जो चैप्टर है, ये जो एक रिफॉर्म के अंदर लिखा गया है, वो 1947 के एक आइडिया के ऊपर लिखा गया है। मींस 1940 से लेकर 1950 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के आधार पर ये लेसन लिखा गया है। लेकिन आज के आधार पर हम देखें तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज भी हो चुकी है। जैसे हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें, तो उनका मॉडर्न जो सेक्शन है, वो भी ये बिलीव करता है कि जो कास्ट सिस्टम है और जो अनटचेबिलिटी है, वो सेपरेट है। लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का थॉट ये है कि ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, कि एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं। अगर अनटचेबिलिटी है तो कास्ट सिस्टम भी होगा, और कास्ट सिस्टम है तो अनटचेबिलिटी भी होगी। मींस अगर आप कास्ट सिस्टम को जब तक एवल्यूएट नहीं करोगे, उनका मानना था कि जब तक आप कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप अनटचेबिलिटी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसी पे ये ऐसे है कंप्लीट। इसी के अंदर एक, जैसे हम देखें तो हिंदू रिफॉर्मर्स या फिर जो भी अपने भीमराव अम्बेडकर जी को फॉलो करते हैं, वो लोग एक मनुस्मृति का नाम ज़रूर लेते हैं। मनुस्मृति एक पुस्तक थी जिसको इन्होंने जलाया था और अपने हिंदू धर्म के प्रति अपने आक्रोश को जो है जताया था। मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 10 के भाग नंबर 4 के अंदर जो है, चार वर्णों के बारे में बताया गया है। हालांकि हम देखें तो ऋग्वैदिक काल के अंदर भी इसकी डिस्कशन है, ऋग्वेद के अंदर भी इसका डिस्कशन है वर्णों का। श्री कृष्ण की यथार्थ गीता, गीता के रूप में भी इसका वर्णन दिया गया है चारों वर्णों का। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार क्या है, मनु ने उसके अंदर कहा है कि जो वर्ण है वो सिर्फ चार ही है। मीन्स कोई भी पाँचवा वर्ण एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर। तो लोगों ने क्या सोचा कि जो पाँचवा वर्ण है ना, वो कौन सा है, वो पाँचवा वर्ण एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब चौथा जो है वो शुद्ध है, तो जितने भी शुद्ध हैं वो सारे क्या है, अनटचेबल है, मतलब उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। ऐसा जो है हिंदू लोग सोचने लग गए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मनु का कहना था कि जो आपकी जो हिंदू कैटेगरी है, इसके चार वर्णों के अलावा दो डिविजन्स हैं, जिसमें एक हिंस आते हैं और एक आउटर साइड जो पीपल सोसाइटी से बिलीव करते हैं वो आते हैं। हिंस और आउटर साइड पीपल जो सोसाइटी से बिलीव करते हैं, वो दो कैटेगरी अलग है इन चारों वर्णों से। लेकिन जो हिंदू रिफॉर्मर्स हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते नहीं है कि ऐसी कुछ चीज़ हुई। लेकिन हम देखें जो कास्ट सिस्टम आज है और जो कास्ट सिस्टम वैदिक काल में था, वो दोनों डिफरेंट है। वैदिक काल में किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी कानून नहीं था। इस वजह से वहां पर जो धर्म था वो क्या करता था, एक कानून के रूप में जो है कार्यरत था। तो वहाँ पे किसी पर्सन को जो है सजा देने के लिए जो है कौन काम आता था, वो काम आता था धर्म। धर्म कैसे, उसमें जो काम करता था वो वर्ण सिस्टम काम करता था। मींस किसी ने कोई अपराध किया तो उसे जो है अछूत बोल दिया जाता था, कि उसे सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था। ये था वैदिक काल के अंदर स्ट्रक्चर आपका वर्णों का। लेकिन जो मॉडर्न आया, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे सोच भी वैसे वैसे चेंज होती जाती है। मीन्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी सोच भी क्या होती जा रही है, चेंज होती गई। और जो आज का एक्चुअल में जो वर्ण सिस्टम है, वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। आज जो सोचा जाता है कि जो अछूत लोग हैं वो क्या है, एक अछूत है, उन्हें छूने से जो है बीमारी फैल जाती है। लेकिन यहीं पे जो है हिंदू लोग सोचते हैं, जो ब्राह्मण प्रश्न है, वो सोचते हैं कि गंगा जल छिड़कने से हम शुद्ध हो जाएंगे। अगर किसी अछूत ने हमें छू लिया, तो अगर हम गंगा जल उसी अशुद्ध व्यक्ति के ऊपर डाल दें, तो वो शुद्ध क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है कहीं ना कहीं उठाया था। और अगर अब हम देखें कि प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। इसके जो है तीन सबसे बेसिक पहलू होते हैं। सबसे पहला जो बेसिक पहलू है कि आप इंटर डाइनिंग, मतलब एक दूसरे के साथ बैठ के नहीं खा सकते। दूसरा जो है कि आप इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते। ये आज भी है, बदकिस्मती से शहरी क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो सिस्टम है, ये आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है कि आप किसी भी चीज़, किसी भी इंटर कास्ट मैरिज को नहीं बढ़ावा दे रहा, अपना सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर जो बढ़ावा नहीं दे रहा। अब ये दोनों सिस्टम ये प्रोड्यूस करते हैं कास्ट सिस्टम को। तो कास्ट सिस्टम को, जैसे कास्ट सिस्टम प्रोड्यूस हुआ, वैसे ही थर्ड फैक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। वो थर्ड फैक्टर जो है
वो है आपका फिजिकल टचिंग का, कि आप फिजिकल टच नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो जो अनटचेबिलिटी है वो एज वो प्रोडक्ट है किसका, कास्ट सिस्टम का। वो प्रोडक्ट है किसका, कास्ट सिस्टम का। तो कास्ट सिस्टम ने क्या किया कि आप बैठ के नहीं खा सकते किसी बड़े व्यक्ति के साथ, आप क्या नहीं कर सकते, इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। तो इसी से क्या हो गया, फिजिकल अनटचेबिलिटी जो थी वो प्रोड्यूस हो गई। इसीलिए जो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि फिजिकल अनटचेबिलिटी है और जो कॉस्ट कास्ट सिस्टम है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, इसे आप एक साथ ही माने, एक ही चीज़ है। लेकिन जो इसे जो है मनुस्मृति के बारे में भी जो है, अगर हम देखें कि हिंदू सोशल ऑर्डर था, हिंदू सोशल ऑर्डर के अंदर जो वर्ण सिस्टम है या फिर जो जाति सिस्टम है वो ग्रेटेड इनइक्वलिटी है, असमानता पर बेस है। जैसे सबसे ऊपर लिया जाता है, सबसे हायर ऑर्डर पे होता है वो ब्राह्मण होता है, फिर क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र। ये तीनों कैटेगरी है, चारों कैटेगरी है। अब जो ब्राह्मण है वो अपना टॉप पे रहना चाहते हैं, क्षत्रिय क्या चाहते हैं कि वो ब्राह्मण का क्या कर दे, विनाश कर दे, एब्यूज कर दे ताकि वो टॉप पे आ जाए, और जो वैश्य चाहते हैं, वैश्य क्या करना चाहते हैं कि वो क्षत्रियों का प्लेस ले ले, और जो शूद्र है वो चाहते हैं कि वो सबसे ऊपर चले जाए। लेकिन जो तीनों कैटेगरी है अपनी शुरू की, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों कैटेगरी क्या चाहती हैं कि ये पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, ये मेंटेन रखना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ जो बेस में है, जो अनटचेबल है और जो शूद्र पर्सन है, ये क्या चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम क्या हो जाए, बना रहे। आप आज के समाज में देखिए, जो जाट है और ब्राह्मण है, क्या वो चाहेंगे कि वो जाति सिस्टम को एक साथ अपने साथ कोलैब कर ले, नहीं चाहेंगे। अगर आप देखेंगे SC ST को आज आरक्षण है, ST ST को आप आरक्षण है, अगर आप किसी जनरल के बंदे को कहेंगे, किसी जाट को कहेंगे या फिर किसी ब्राह्मण को कहेंगे कि अगर आपको भी आरक्षण फायदा लेना है तो आप भी SC ST में आ जाइए, वो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, वो उसका मजा लेना चाहते हैं। जितना फायदा उनको ST ST में मिल रहा है, SC ST में मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा वो वैसे ही जनरल में ले लेंगे। ये चीज भी आज के एक सोशल स्ट्रक्चर में जो है देखने को मिलती है। लेकिन जो है अपना तीनों कैटेगरी है वो अपने क्या करना चाहती है, सोशल सिस्टम को बनाए रखना चाहती है, कास्ट सिस्टम को बनाए रखना चाहती है। और आप हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम या फिर अनटचेबिलिटी को शरण किसने दिया, फिर इसे बढ़ावा किसने दिया। किसी भी चीज़ को अप्रूवल देने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो उसे लीगल मिल जाए, कानूनी मिल जाए, कानूनी अप्रूवल मिल जाए, या फिर सोशल अप्रूवल मिल जाए, या फिर रिलीजियस अप्रूवल मिल जाए। और धोखे से अगर हम देखें या फिर एक अचंभे से हम देखें, तो जो आपका कास्ट सिस्टम है या अनटचेबिलिटी है, इसे धार्मिक मान्यता मिली हुई है, और धार्मिक मान्यता लीगल और सोशल दोनों से बड़ी मान्यता मानी जाती है। अब किसी चीज़ को अगर धार्मिक मान्यता मिली है, मीन्स रिलीजियस, अगर किसी भी चीज़ को रिलीजियस जो है सेंशन मिल गई है, किसी भी चीज़ को रिलीजियस मान्यता मिल गई है, तो उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो आप किसके विरुद्ध जा रहे हो, आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। एक अनडायरेक्ट तरीके से देखो तो आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, और धर्म के विरुद्ध जा रहे हो तो हर पर्सन आपके क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो है डॉक्टर BR अंबेडकर कहते हैं कि जब तक आप क्या नहीं करेंगे, कास्ट सिस्टम को जो है ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो यही थी अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम की कुछ जर्नल हिस्ट्री। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।